टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। कादरन के गांव मिल्कनिया में चोटी कटने का मामला आया सामने। थाना सोरू के ग्राम मिल्कनिया में नेनबती पत्नी विपिन कुमार की आज दोपहर 1 बजे चोटी कट गई। कटी चोटी देखकर महिला तुरंत बेहोश हो गई। बेहोश महिला को देख परिवारजनों में अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस से तुरंत महिला को जिला समुदाय केंद्र सोरू ले जाया गया। चोटी कटने से सभी ग्रामीणों में भयंकर डर बना हुआ है। हालांकि बीमार महिला को दवाएं देकर ठीक कर दिया गया। आखिर कैसे कट रहे हैं बाल, कौन काट रहा है बाल, अभी तक कोई भी जानकारी इस बात की नहीं हो पाई है। काजगंज से राहुल कुमार के साथ अरुण कुमार दीक्षित की रिपोर्ट। कहां से हैं आप? ये बाल कैसे कटे आपको? उन्होंने बताया था कैसे हैं, ये हॉस्पिटल आए थे और उन्होंने बताया था कैसे बाल कटे हैं, यहाँ दिखाई देता बात बताइए। आप कहाँ से हैं? मिल्कनिया से। इन्हें दवाई लगती है, ये नीचे है, सब छत पे से नीचे करके आए तो ये कह रहे थे कि मेरे बाल किसी के नीचे है, तो इन्होंने अपना सिर से भूत उगा घटाया तो उनके बाल देखे तो नीचे कटे हुए पड़े थे। फिर आपने कहा तो या फिर 108 एम्बुलेंस को फोन किया था, एम्बुलेंस यहाँ से गई थी और ये बेहोश आ रही है, पहुंचो जैसे चक्कर से आ रहा है और इनके पैर में। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से रहते? आपके बाल कब कटे? कब कटे आपके बाल? 1 बजे। कितने टाइम कटे आपके बाल? 1 बजे। आपको कैसा महसूस हुआ? एकदम बाहर थी। हाँ फिर? हाँ। मैंने नीचे करके आई, मैंने उनकी भी बात किया तो पूछ रहा हूँ, तो मैंने अपनी साफ के लिए टुकड़ा हूँ, उनकी भी बात की उनसे एकदम सकोई में मिली, तो मैं बाहर भी लाए पीछे को, तो वहाँ गर्मी में उनकी बात की उनके फ्रेंड, तो मैंने एकदम चूरा खींच खींच कर पकड़ लो, टॉप न्यूज के लिए काजगंज से अरुण कुमार दीक्षित की रिपोर्ट।